19 और 20 को पूरे देश में छठ का पर्व मनाया जाएगा। भगवान सूर्य की आराधना की जाती है इस पर्व में और यूपी और पूर्वांचल का जो हिस्सा है इसमें बड़े पैमाने पर यह पर्व मनाया जाता है। इसमें कुल 6 मुख्य तरीके के फल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वैसे तो इसमें जो फल व्यापारी हैं बताते हैं कि 72 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर फलों का उपयोग होता है और ये देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। हम खड़े हैं पहाड़िया की फल मंडी में। ये मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर पूरे देश से व्यापारी आए हुए हैं अलग अलग फलों को लेकर। तो हम ये जानेंगे कि किस तरह के फल हैं, उनका किस तरह का महत्व है और आज किस तरह का भाव है, क्योंकि भाव ऐसा होता है कि इसको लेकर ही व्यापारी और जो आम जो श्रद्धालु हैं जो छठ पूजा करते हैं वो भाव को लेकर कई मंडियों में घूमते भी हैं। क्योंकि फल फल की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो पूजा करने वाला है तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये तक का फल खरीदता है इसमें। तो हम जानेंगे कि किस तरह के भाव हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे व्यापारी हैं। हम सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश जी, आप क्या बेचते हैं और किस तरह का? संतरा 650 रुपया कैरेट। बोला राम डेरा का वो बोला संतरा। और क्या है मतलब संतरे की कैसी डिमांड होती है? संतरे की डिमांड बहुत अच्छी है यहाँ पे। हाँ, और सब लोग अच्छी तरह से यहाँ पे बिक्री हो रही है। बिक्री हो रही है। तो जो रेट मिल रहा है संतरे का, संतुष्ट हैं अभी? हाँ, संतरे से संतुष्ट हैं हम, रेट से और संतरे के भाव से सब सही है। आप क्या नाम है आपका? शिवम सौरभ। शिवम जी, किस तरह का आप हाथ में कौन सा फल लिए हैं? एप्पल। क्या स्थिति है एप्पल की? ठीक है, स्थिति बढ़िया है। जो रेट है होना चाहिए वो है, ठीक है। थोड़ा सा इस बार इस साल का जो है थोड़ा रेट ज़्यादा है और है, सही है रेट वेट, सही सब चल रहा है। सही चल रहा है। केले की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और केला इस समय बहुत देखा जाए तो बाहर से नहीं लोकल ही आ रहा है, मतलब यूपी के हिस्से से ही आ रहा है। किस तरह की स्थिति है केले में? केले की स्थिति ये है कि देखिए, बाहर से केला जो है वहाँ की फसलें बर्बाद हो गई हैं बाढ़ की वजह से, जो कि पहले भुसावल अनंतापुर से आता था सीजन में, लेकिन अभी यूपी में भी केला जो है ख़त्म होने के कगार पर है। तो रेट जो यही है कि लगा लीजिए अभी आज का रेट 18, 19, 20, 21, 22 चल रहा है, क्योंकि मंगलवार है और मंडी भी आज बंद रहती है अमून, लेकिन लगा लीजिए कल और परसों में रेट जो है ऊपर चले जाएंगे, 25, 26 के रेट से जाएगा केला अभी। और अभी जो केला आ रहा है ये गोरखपुर से आ रहा है, बाराबंकी और सीतापुर से आ रहा है। ज़्यादा गाड़ियाँ तो अभी आई नहीं है, कल का स्थिति कैसा होगा कल देखते हैं। जिस हिसाब से रेट है, जब मंडी का रेट है, तो बाहर क्या अनुमान है किस रेट में बिकेगा ये केला? बाहर ये लगा लीजिए आपकी अभी एक हफ्ते पहले 70-60 के रेट पे बिकता था करवा चौथ पे, तो इस बार 70-80 के आसपास बिकेगा, इस तरह का अनुमान है। अच्छे केले की बात कर रहे हैं, और वैसे तो लगा लीजिए 50-60 रुपये जो डी ग्रेड का होता है वो भी मिल जाएगा, लेकिन इससे नीचे मिलने का कोई अनुमान है नहीं। ये नींबू की ही वैरायटी का होता है जिसको घाघर कहते हैं और ये बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके से आता है, तो यहाँ व्यापारी लेके आए हैं। ये क्या हिसाब है और क्या प्रयोग होता है इसका? इसका यही है कि बेचा जा रहा है। क्या रेट में बिक रहा है? ये 25 रुपया का है एक पीस। एक पीस तो अभी रेट चढ़ेगा? नहीं, इसका रेट नहीं चढ़ता है। अच्छा, इसका रेट घट जाएगा। घट जाएगा। तो ये छठ बीतने के बाद में फिर क्या हो जाता होगा इसको? अब यही होता है कि अभी छठ के बाद ये काम खत्म है इसका। हाँ, अच्छा, इस तरह खाया जाता है इसको। अच्छा, ये बताइए किस हिसाब से फल मंडी में जो स्थिति है अभी, उस रेट से आप क्या वाकिफ रखते हैं? किस हिसाब से रेट मिल रहा है और फलों का क्या रेट होना चाहिए? फलों का जो हिसाब से रेट है कम है। हाँ, अभी तो छठ 2-3 दिन बचे हैं। हाँ, तो 2-3 में छठ और मैया जितना भी सुविधा रहता है अगड़म बड़म सब बिक जाता है, सस्ता बिके चाहे महंगा बिके, नरम गरम सब बिक जाता है। तो जो आप लोग तो व्यापारी हैं, पूरे देश भर से यहाँ पे अलग अलग हिस्सों से वो आता है, फल आता है, तो अभी की स्थिति क्या है? पूरी मंडी भरी पड़ी है? पूरी मंडी, अरे बाजार एकदम नरम है, इस मारे पड़ी हुई है। अच्छा। नहीं तो अब ले तो आधा माल खत्म हो जाता,
दो ही दिन का मार्केट है। क्या उम्मीद है कि बाजार गर्म होगा? हाँ, बाजार और मौत का हाल के जानता है, समय बिकता है। अच्छा, समय नहीं रहेगा, 200 रुपये बिक जाएगा, नहीं तो 5 रुपये का महंगा है। नहीं, अभी जैसे आप लोग पीने वाला नारियल था खूब महंगा बिक रहा था, क्योंकि डेंगू और फैला हुआ था सब चारों तरफ। अरे तब उसका भी तो रेट गिर गया था, 30 रुपये का, 25 रुपये का, आधा हो गया माल। आ ज़्यादा आ गया तब माल सस्ता हो गया, नहीं है तो आज भी 70-60 का बिकेगा। माल के ऊपर है, आमदनी के ना ऊपर है भैया। अच्छा, ये आप लिए हैं, ये क्या है? ये सीताफल है सर। सीताफल कहाँ प्रयोग होता है? ये देहात एरिया में होता है। नहीं तो ये क्या छठ में चढ़ता है? हाँ, ये भी चढ़ता है। तो क्या स्थिति है, क्या डिमांड है अभी? तो इसका डिमांड बहुत कम है, अब हो सकता है अभी तो 5-6 के 7 के बिक रहा है, 5-6 रुपये। हाँ बस उसके ऊपर है, नहीं इसका डिमांड। तो अभी कुछ उम्मीद है चढ़ेगा? कोई कहा नहीं जा सकता है सर। ये आप लोग लेके कहाँ से आए हैं? ये आए हैं मिर्जापुर जिला से लेकर। मिर्जापुर जिला से वहाँ होती है खेती। तो कुल मिला के जो फल का रेट है वो रेट अभी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जो व्यापारी हैं, किसान भी मौजूद हैं, इन लोगों का यही कहना है कि छठ को देखते हुए अभी रेट बढ़ सकते हैं, 2 दिन की और बाजार है। आज बाजार में ग्राहक नहीं है लेकिन माल भरा पड़ा है, अगर ये बिक्री होती तो माल शायद इतना नहीं दिखता। हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से नींबू, जिसको घाघर कहते हैं बड़ा वाला, वो पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि अभी इसके रेट नहीं है, कल से शायद ये उठना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह के अलग अलग फल हैं, और यहाँ पर पूरे फलों की एक बड़ी मंडी है, यहाँ से पूरे पूर्वांचल, यहाँ के दूसरे हिस्सों में भी सप्लाई होती है, और अगर अच्छा रेट मिला तो किसान अच्छे पैसे लेके जाएंगे, व्यापारी भी खुश होंगे, लेकिन कभी कभी रेट गिर जाता है तो उसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।